आइए शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मान लेते हैं कि हमारे पास तीन रेजिस्टेंसेस हैं और इसको हम लोग जो है सीरीज में इस तरह से एक बैटरी से जोड़ दिए हैं। पहला रेजिस्टेंस है मान लीजिए R1, दूसरा है R2, तीसरा है R3 और इसको एक वी बोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। इसमें I करंट फ्लो कर रही है तो यही करंट सेम तीनों में से होकर के पास करेगी। मान लेते हैं कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो बैटरी का पोटेंशियल V है वही यहाँ यहाँ और यहाँ अप्लाई किया गया है, तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि V इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, V1 प्लस V2 प्लस V3 होना चाहिए। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है कि चूंकि ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू I इंटू R, तो इसलिए अगर हम लोग पहले रेजिस्टेंस के लिए इस चीज़ को लिखें तो हमको लिखना पड़ेगा V1 इज इक्वल टू IR1, दूसरे रेजिस्टेंस के लिए V2 इज इक्वल टू IR2 और तीसरे रेजिस्टेंस के लिए V3 इज इक्वल टू IR3। अब अगर हम ये तीनों वैल्यूज को उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रख दें तो क्या हो जाएगा, हमारा इसको भी रखना है तो I इंटू R इज इक्वल टू I इंटू R1 IR2 IR3। हम लोग देख रहे हैं कि I दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये फार्मूला हो गया इक्वेलेंट रेजिस्टेंस का सीरीज कम्बिनेशन में। मतलब इन तीनों के जगह पर अगर हमको एक ही रेजिस्टेंस लगाना है तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 होना चाहिए। अब आइए दूसरा शुरू करते हैं पैरलर कम्बिनेशन। तो मान लेते हैं कि हमारे पास तीन रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2 और R3। इन तीनों को पैरेलल कम्बिनेशन में एक वी वोल्ट की बैटरी से हम लोग जोड़ दिए हैं। इसमें मान लीजिए आई करंट फ्लो कर रहा है तो ये आई करंट यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि हमारे पास इस जंक्शन के बाद तीन वायर निकले हुए हैं तो कुछ करंट इसमें चला जाएगा। मान लेते हैं I1, इसमें I2 चला गया और इसमें चला गया I3। अब ये करंट जो है आकर के इसमें दोबारा से मिल जाएंगे और ये फिर से आई करंट इसमें इस तरह से फ्लो करने लगेगा। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो तीनों रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं वो दो पॉइंट के बीच में ही जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि जो आई है वही जो है I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग यहां पर ले लेते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3, इसी को 1 बना लेते हैं। अब सिंस ओम्स लॉ कहता है भाई V इज इक्वल टू IR, तो यहां से देखिए I इज इक्वल टू आ जाएगा V/R। तो अगर हम लोग इसी तरह से I1 के लिए लिखना चाहें, मतलब इस पहले वाले रेजिस्टेंस के लिए लिखना चाहें, तो I1 इज इक्वल टू V/R1 लिखना पड़ेगा। वोल्टेज सेम रहेगा, करंट अलग है, रेजिस्टेंस अलग है। इसी तरह से I2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, V/R2 और I3 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, V/R3। अब ये सारी वैल्यूज को उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम लोग रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V/R इज इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। हम लोग देख रहे हैं कि V दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, I1 R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्वेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला।
अब इसके बाद कुछ सिंपल प्रॉब्लम देखते हैं कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर। पहला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह से एक सर्किट है, ये पॉइंट ए है और ये बी है। ये मान लीजिए 2 ओम का है, ये 4 ओम का है, ये 6 ओम का है। हमसे पूछा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए ए और बी के बीच में, कि ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 4 और 6 किस में है, पैरेलल में है। तो पहले हम 4 और 6 का पैरेलल करेंगे और उसके बाद 2 ओम उसके सीरीज में कर देंगे। तो आइए, तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा फिर से बना लेते हैं। ये 4 ओम है, ये 6 ओम है, ये 2 ओम है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो पहले हम इनका पैरेलल कम्बिनेशन करेंगे। 1/R इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6, तो कितना हो गया 12। 3 प्लस 2, तो R इज इक्वल टू कितना आ गया 12/5 ओम। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये डायग्राम फिर से बनाया जा सकता है इस तरह से, एक 2 ओम हो गया और एक हो गया 12/5 ओम। ये A और ये B, मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट हम लोग निकाल लिए। ये तो इन दोनों की जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं और ये वाला जो है ज्यों का त्यों रहे। अब ये दोनों सीरीज में हो गया, तो इसका मतलब आर ए बी इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, मतलब 2 प्लस 12/5, तो इसका मतलब 2 प्लस 2.4, 4.4 ओम। आइए दूसरे प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, और सारे रेजिस्टेंस हम लोग मान लीजिए ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम लगा दिए। अब इसमें भी हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए कि सर्किट को छोटा करना चाहिए। जहाँ से भी हमको मौका मिले हम वहाँ से सर्किट को छोटा करना शुरू करेंगे। अब छोटा करने में देखिए क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि ये 2 ओम और ये 2 ओम पैरेलल में है, क्योंकि ये दोनों इन दो पॉइंट्स के बीच में लगे हुए हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो एक वायर यहाँ गया, फिर ऐसे जुड़ गया और एक वायर यहाँ पर, मतलब ये दोनों पैरेलल में हैं। तो अगर ये दोनों पैरेलल में हैं तो इनका पैरेलल कम्बिनेशन क्या हो जाएगा, इनका पैरेलल कम्बिनेशन 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 2 और 2 का पैरेलल कम्बिनेशन 1 हो जाएगा, मतलब 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसी सर्किट को हम दोबारा से किस तरह से बना सकते हैं। ये वाला 2 यहाँ बनाना पड़ेगा हमको, और इनका जो कम्बिनेशन है वो कितना हो गया, 1 ओम का हो गया पैरेलल कम्बिनेशन। अब नीचे क्या है, नीचे देखिए 2 लगा हुआ है, तो नीचे हम 2 ओम लगा देंगे, ये बी हो गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 और 1 सीरीज में है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। तो इनका जो कम्बिनेशन है वो कितना हो गया, इनका 3 हो गया, मतलब R इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 ओम। तो अब ये जो 3 आया है वो 2 के साथ पैरेलल में है, तो इसका मतलब है कि फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/2 करेंगे तो हो जाएगा 5/6, लेकिन यहाँ पर उल्टा करना नहीं भूलेंगे, 6/5 ओम। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। हमारे पास जो है इस तरह का सर्किट है और हम लोग मान लेते हैं कि सब में 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है।
और इसमें हमको क्या निकालना है, इसमें हमको तीन क्वेश्चन मान लीजिए दिया हुआ है। पहला निकालना है ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस, दूसरा निकालना है ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस, और तीसरा निकालना है ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस। तो चलिए बारी बारी से करते हैं सोल्यूशन। पहला वाला हम लोग कर रहे हैं ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस। तो देखिए, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालने का मतलब ये होता है कि हम ए और बी के बीच में एक बैटरी जोड़ देंगे और उस बैटरी के थ्रू करंट जिस जिस रेजिस्टेंस से होकर के जाएगा केवल उतने का ही हमको रेजिस्टेंस लेना होता है। तो अगर हम ए और बी के बीच में एक बैटरी लगाएंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि ये दोनों खुला रहेगा, इसमें करंट नहीं जाएगा। मतलब हम यहाँ पर अगर एक बैटरी जोड़ देंगे तो करंट जो है यहाँ से घूम जाएगा, इसमें करंट नहीं जाएगा क्योंकि करंट हमेशा क्लोज सर्किट में फ्लो करता है। ये वायर इस तरह से खुला हुआ है, इसमें करंट नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो इसका और इसका कोई भी यूज नहीं है। उसी तरह से अगर हम ए और डी के बीच में निकालेंगे तो जब हम यहाँ और यहाँ के बीच में बैटरी जोड़ेंगे तो इसमें और इसमें करंट नहीं जाएगा। ऐसे बैटरी जोड़ देंगे तो ये दोनों खुला रहेंगे तो करंट नहीं जाएगा, तो इसमें इसका और इसका कोई यूज नहीं रहेगा। उसी तरह से जब हम ए और सी के बीच में निकालेंगे तो ए और सी के बीच में जब बैटरी लगाएंगे तो इसका और इसका कोई यूज नहीं रहेगा। तो इसी तरह से जब हम पहला जब करने लगेंगे तो हम इस एक सर्किट फिर से बनाएंगे। तो उस सर्किट में हम इसको नहीं बनाएंगे क्योंकि इसका कोई यूज नहीं होगा। तो सारे 2 ओम के हैं। अब हमको क्या करना है कि इसको हमको छोटा करना है भाई, सॉल्व करने का तरीका। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि ये तीनों एक साथ ही लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों क्या है, सीरीज में हैं क्योंकि एक ही वायर से जुड़े हुए हैं। तो सीरीज में R1 + R2 + R3 होता है फार्मूला, तो 2 2 4 2 6 हो जाएगा। तो दोबारा जब हम डायग्राम बनाएंगे तो वो डायग्राम किस तरह का बनेगा, तो ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये ए, ये बी, और इन तीनों के जगह पर 2 2 4 2 6 6 ओम। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों पैरलर में हैं क्योंकि दो पॉइंट के बीच में जुड़े हुए हैं, तो पैरलर कम्बिनेशन लगा देते हैं इनके बीच में। तो 1/R = 1/2 + 1/6, 6 हो गया एलसीएम, 3 + 1 4/6, तो R = 6/4 3/2। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का इक्वलेंट कितना हो गया, 3/2। तो दोबारा जब हम डायग्राम बनाएंगे तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो ये 2 ओम और ये नीचे वाला भी 2 ओम, लेकिन इन दोनों का इक्वलेंट कितना हम लोग सॉल्व किए, 3/2, तो ये कितना हो गया, 3/2 ओम। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये तीनों एक ही वायर से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये तीनों सीरीज में हैं। तो अगर ये तीनों सीरीज में हैं तो R = 2 + 3/2 + 2, मतलब 4 + 3/2, 11/2, यही आंसर हो गया हमारा। अब आइए इस क्वेश्चन का बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में ए और डी के बीच में पूछा हुआ है, तो उसके लिए हमको डायग्राम इस तरह का बनाना पड़ेगा। यहां पर था ए और यहां पर था डी, तो सॉरी डी है। तो अब देखिए, इस रेजिस्टेंस जो यहां पे लगा हुआ था और जो यहां पे लगा हुआ था उससे कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि वो दोनों खुले रहेंगे। तो ये सब 2 ओम के हैं, तो ऐसे दिखा देते हैं इनको। तो अब हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं कि ये दोनों एक साथ लगे हुए हैं एक ही वायर में, मतलब सीरीज में हैं, और ये दोनों भी एक साथ लगे हुए हैं, मतलब ये दोनों भी सीरीज में हैं। तो 2 2 4 हो गया, 2 2 4 हो गया, तो नई सर्किट हमारी किस तरह से बन जाएगी, ये 2 ओम हो गया, इन दोनों की जगह पर
अब देखिए, दो दो चार, तो इसका मतलब ये 4 ओम हो गया, और नीचे वाला भी देखिए 2 2 4, तो ये भी 4 ओम हो गया, ये ए हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो दोनों हैं वो दो पॉइंट के बीच में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, पैरलर हैं। तो पैरलर का फार्मूला लगा देते हैं, तो 1/r इज इक्वल टू 1/4 + 1/4, 2/4, मतलब r इज इक्वल टू आ जाएगा 2 ओम। अब फिर से नई सर्किट बनाते हैं, तो देखिए 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ये देखिए बीच में जो 4 और 4 लगा हुआ था इनका इक्वलेंट आ गया 2, इसका मतलब इन दोनों के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब ये तीनों सीरीज में हैं क्योंकि एक ही वायर में जुड़े हुए हैं, तो इनका इक्वलेंट ये बार बार डी हो गया यहाँ पे। तो आर ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 2, मतलब 6 ओम, ये आंसर हो जाएगा हमारा। आइए इस क्वेश्चन का सी पार्ट देखते हैं, जिसमें ए और सी के बीच में निकालना था। तो जब हम यहाँ और यहाँ इन दोनों पॉइंट के बीच में बैटरी लगाएंगे, तो इस वाले रेजिस्टेंस का और इधर वाले रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रहेगा, ये दोनों खुले रहेंगे, इसमें करंट नहीं जाएगा। तो हमारा जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह का बनेगा। तो अब हम लोगों को क्या करना होता है कि हम लोगों को जहां से भी मौका मिलेगा हम छोटा कर लेंगे सर्किट को। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 2 2, ये तीनों क्या लगे हुए हैं, एक ही लाइन में लगे हुए हैं, एक ही वायर में जुड़े हुए हैं, एक के बाद दूसरा लगा हुआ है, मतलब ये तीनों सीरीज में हैं। तो इनका सीरीज कम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 6, तो इसका मतलब यहाँ पर आर इज इक्वल टू 2 + 2 + 2, मतलब 6 ओम आ गया। अब हम एक नई सर्किट बना लेंगे, तो नई सर्किट देखिए कैसे बनेगा। ये जो तीनों लगा हुआ था नीचे, इन तीन के जगह पर हम एक लगाएंगे जिसकी वैल्यू 6 होगा, तो हम एक लगा देते हैं, इसकी वैल्यू 6 हो गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये दोनों पैरलर हैं क्योंकि दो पॉइंट के बीच में जुड़े हुए हैं, तो इनका पैरलर कम्बिनेशन कर लेते हैं। 1/r इज इक्वल टू 1/2 + 1/6, 6 हो जाएगा एलसीएम, 3 + 1 4/6, 1/r इज इक्वल टू, तो r इज इक्वल टू 6/4 3/2। तो अब हम दोबारा से सर्किट बनाएंगे, और दोबारा सर्किट बनाएंगे तो इन दोनों की जगह पे क्या लगाना पड़ेगा, 3/2 लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया 2 ओम 3/2 ओम और 2 ओम, यहाँ पर है ए, यहाँ पर है सी। तो बस आर ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 3/2 + 2, क्योंकि ये तीनों सीरीज में हैं, तो कितना हो गया 4 प्लस, ये हो जाएगा 1.5, इसका मतलब 5.5, ये हो गया आंसर।